कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयां। अल्लामा ताहिर अशरफी की सीरत कुरान सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मदारिस और मसाजिद से कोई ताल्लुक नहीं। ये क्रैकडाउन जो कलदम तंजीमों के हवाले से है, किसी मस्जिद और मदरसा के खिलाफ नहीं है, और ना ही इस क्रैकडाउन से या कलदम तंजीमों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसका मस्जिद मदरसे से कोई ताल्लुक है। लिहाजा मसाजिद और मदारिस के जिम्मेदारान को इस पे परेशान होना नहीं चाहिए। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब के चेयरमैन का कहना था कि तमाम मसाले के उलमा मजहबी मुनाफरत के खात्मे और कयाम अमन के लिए हुकूमत के साथ तावुन कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाने के लिए इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हत्तल मुमकिन जो कोशिश होगी वो की जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर, ये पाकिस्तान हम सब का है और हम सब मिलकर इसको आगे लेके चलेंगे। अलामा ताहिर अशरफी का मजीद कहना था कि मदारिस और मसाजिद की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक मामलात जल्द हल कर लिए जाएंगे। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ सबील हसन, लाहौर न्यूज़।